नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर। आज हम बात कर रहे हैं कलंक मूवी की। जी हाँ, मोस्ट अवेटेड टीजर कलंक का कहा जा रहा था, जिसका टीजर मोस्ट अवेटेड बताया जा रहा था। इसका टीजर आज मूवी के मेकर्स ने रिलीज कर दिया। जी हाँ, 12 मार्च इसकी तारीख तय की गई थी कि 12 मार्च को कलंक का टीजर रिलीज किया जाएगा, और ठीक उसी दिन आज 12 मार्च को कलंक का टीजर रिलीज हो गया है। इससे पहले फिल्म के कुछ पोस्टर रिलीज किए गए थे, जिसमें सभी स्टार्स का लुक दिखाया गया था कि फर्स्ट लुक कैसा है, सभी स्टार इस फिल्म में किस प्रकार दिखाई देने वाले हैं। सभी स्टार का लुक के बाद आज कलंक का टीजर फाइनली आ ही चुका है। आपको बता दें कि 2 मिनट 6 सेकंड के इस टीजर में ऐसा लगता है कि हम संजय लीला भंसाली के किसी मूवी के सेट पर आ चुके हैं। जी हाँ, ठीक संजय लीला भंसाली मूवी जैसे कि संजय लीला भंसाली की मूवी हम देखते हैं कि बड़े बड़े सेट और काफ़ी पहले जमाने के राजाओं के महल के तरीके से सेट लगे होते हैं, ठीक उसी प्रकार कलंक मूवी में भी बहुत ही आधुनिक तरीके के सेट लगाए गए हैं। और ये मूवी बेस्ड 1940 के दशक पर बेस्ड कहानी है, तो ठीक उसी प्रकार के सेट इस मूवी में लगाए गए हैं और काफ़ी बड़े सेट इस मूवी में लगे हैं। इस मूवी की शुरुआत वरुण धवन के एक डायलॉग से होती है। जी, इस मूवी के टीजर की शुरुआत वरुण धवन के एक डायलॉग से होती है, जिसमें वह कहते हुए नज़र आते हैं कि कुछ रिश्ते कर्जे की तरह होते हैं, जिनको निभाना नहीं चुकाना पड़ता है। इस दमदार डायलॉग के साथ ही कलंक टीजर की शुरुआत होती है, और फिर सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर और वरुण धवन के लुक को इसमें दिखाया जाता है। जैसा कि आपको बता दें कि सभी को इसमें एक राजसी लुक दिया गया है, लेकिन वहीं वरुण धवन को दिखाया गया है कि वो कैसे एक वॉरियर और एक फाइटर हैं। जी हाँ, वरुण धवन को इस टीजर के अंदर एक फाइटर दिखाया गया है। वरुण धवन किसी राज परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित को दिखाया गया कि कैसे वो एक कोठी की तवायफ है। जी हम, माधुरी दीक्षित को इस टीजर में कोठी की तवायफ दिखाया गया है। वहीं संजय दत्त आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर को राजसी परिवार का दिखाया गया है। और ये इस टीजर को देखकर अभी तक यही मालूम होता है कि किस प्रकार आलिया भट्ट की शादी जबरदस्ती आदित्य रॉय कपूर से की जा रही है, और आलिया भट्ट इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा उदास हैं और निराश हैं। और आपको बता दें कि आलिया भट्ट इस समय तो इस टीजर को देख के यही आभास होता है कि आलिया भट्ट आदित्य रॉय कपूर से प्यार करती हैं। इस टीजर को देख के अभी तक तो यही लगता है कि आलिया भट्ट वरुण धवन से प्यार करती हैं और उनकी शादी जबरदस्ती आदित्य रॉय कपूर से करवाई जा रही है। और शादी के मंडप में किस प्रकार झलकता है कि आदित्य रॉय कपूर के साथ शादी करके आलिया भट्ट रो रही हैं, और आलिया भट्ट भी अपना दुखड़ा सुनाती हैं और कहती हैं कि कलंक कुछ और नहीं, कलंक प्यार है। इस डायलॉग के साथ ही टीजर यहीं ख़त्म हो जाता है। इस टीजर को देख के तो अभी तक यही लगता है कि फिल्म बहुत ही बड़ी और बहुत ही बड़े लेवल पे बनने वाली फिल्मों में से एक हो सकती है, क्योंकि इस फिल्म के सेट भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाए गए हैं। आशा करते हैं कि आपको भी ये ट्रेलर जब आप देखेंगे तो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।